देखो अभी ऑफिस से खराब रास्ते पे हम लोग लेके जा रहे हैं कार को। ये देखो रास्ता कितना खराब है, ड्राइव कर रहे हैं अभी। देखो से एक साउंड है ना, ये काफी इरिटेट कर रहा है कार चलाते समय, तो इसका चेक करते हैं हम लोग दोनों। व्हील करते खोल के इसका जो साउंड है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से इसका जो ब्रेक का कैलिबर पिन है ना, ये कैलिबर पिन घिसने की वजह से इसमें साउंड क्रिएट हो रहा है। तो अभी चलते हैं वर्कशॉप पे और खोलते हैं इसका दोनों व्हील फ्रंट का, ओके, और कैलिबर पिन को चेक करते अगर कैलिबर पिन इसका खराब हो चुका है या कैलिबर पिन खराब हो चुका है तो कैलिबर पिन हम लोग नया न्यू डालेंगे, ओके। उसके बाद भी आपको ट्रायल मार के मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन क्या हम लोग ने किया है, ओके। तो अभी चलते हैं वर्कशॉप पे, वर्कशॉप पे चलते इसका दोनों व्हील खोलते हैं हम लोग फ्रंट वाला। कार है मारुति सुजुकी वैगनर, इसमें चेक करते हैं अभी इसका साउंड। हम लोग देख सकते हैं इसका साउंड, हम लोग यहाँ भी पंच करते हैं तो इसका साउंड कैसा आ रहा है, ओके। इसका कैलिबर का पिन का साउंड है, खोलते दोनों व्हील लेफ्ट साइड में चेक करते हैं हम लोग यहाँ से। देखो यहाँ से कम आता है, राइट से ज़्यादा आता है। खोलते दोनों इस व्हील को, दोनों व्हील को खोल के इसका कैलिबर पिन न्यू डालते हैं अभी, ओके। खोलते अभी फ्रंट व्हील दोनों, इसका निकलते कैलिबर देख सकते हैं अभी कैलिबर को ओपन करके ये देख सकते हैं। तो इसका पिन देख सकते हैं आप, ये देखो इसका पिन ड्राई होके ग्रीस के विदाउट ग्रीस के चलने के बाद इसका ड्राई होके देखो पिन पूरा घिस गया है। इसके लिए हम लोग ने दूसरा इसका किट मंगाया है, देख सकते हैं ये 115 रुपये कीमत है। इसमें से इसको निकालो ज़रा, आता है स्पेशल ग्रीस है, हाई टेम्परेचर ग्रीस, टीवीएस ग्रिलिंग का ये इसकी पिन है। देखो दो पिन है इसके साथ, इसमें बूट मिलता है, इसका डस्ट कवर, तो इसको अच्छे से साफ करके इसमें लगाते हैं अभी, ओके। तो इसका ब्रेक पैड की कंडीशन तो सही है एकदम, देख सकते 50% ब्रेक पैड है। ब्रेक पैड हम लोग न्यू नहीं डालेंगे, ओनली इसकी कैलिबर पिन को न्यू डालते हैं, ओके। तो ये इसकी न्यू कैलिबर पिन देख सकते हैं, यूनियन पार्ट्स मारुति सुजुकी, ओके। और ये इसकी ओल्ड दोनों भी पिन थे, देखो काफ़ी घिस गए, घिसने की वजह से इसमें काफ़ी नॉइज़ कर रहा है इसका कैलिबर। इसको डालते हैं अभी, इसको अच्छे से क्लीन करो और डालो। लगाते हैं न्यू पिन को ग्रीसिंग करके, फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं इसके कैलिबर दोनों पिन हम लोग डाल चुके हैं अभी। यहाँ से देखो कैलिबर पिन है, इसके साथ इसमें दोनों बोल्ट भी आते हैं, ओके। देख सकते हैं यहाँ से इसको फिटिंग कर चुके हैं। इसका अभी साउंड आपको सुनाते हैं हम लोग, देखो हम लोग अभी हाथ से मार रहे हैं, देखो बिल्कुल, देखो
बिल्कुल नॉइस नहीं है इसमें। ओके तो अभी इसको लगाते हैं व्हील, और इस सेम लेफ्ट साइड का भी हम लोग अभी इसमें डालने वाले हैं दोनों कैलिबर की, ब्रेक कैलिबर की। इसको व्हील को लगाते हैं, अभी व्हील को फिटिंग करते हैं, खोलते हैं इसका लेफ्ट साइड का व्हील, और उसमें भी कैलिबर पिन दोनों हम लोग चेंज करने वाले हैं अभी। अभी खोलते हैं इसका लेफ्ट साइड का व्हील, खोलते हैं अभी लेफ्ट साइड के व्हील को। अभी लेफ्ट साइड का व्हील खोलना स्टार्ट हो चुका है, इसके भी कैलिबर पिन को हम लोग चेंज करेंगे अभी। सुनाते हैं आपको यहाँ से, देखो पंच करो जरा साउंड इसमें आ रहा है। इसको भी डालते हैं अभी न्यू, इसका भी खोलते हैं। ब्रेक पैड 50% है, इससे ब्रेक पैड को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ओनली इसकी कैलिबर पिन को चेंज करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे तो टेफलन टेप लगा के फिटिंग किया था, इसको भी न्यू डालते हैं अभी हम लोग। ओके नया वाला दिखाओ वहाँ पे पैकेट, पिन आते हैं, दो डस्ट कवर और दो इसके बोल्ट आते हैं, और ये इसका स्पेशल ग्रीस हाई टेम्परेचर टीवीएस ग्रिलिंग। ओके करते हैं इसको फिटिंग कार में इसमें। ओके ये एमजीपी पार्ट देख सकते हैं, एमजीपी का ओरिजिनल। करते हैं फिटिंग अभी इसमें कार में, प्रो फिटिंग इसको। इसके पहले इसको अच्छे से क्लीन करते हैं अंदर से, इसकी पुरानी ग्रीस वगैरह है उसको निकालते हैं। ओके इसको अच्छे से क्लीन करके हम लोग उसको न्यू उसके पिन फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं अभी इस लेफ्ट साइड का भी कैलिबर पिन हम लोग दोनों डाल चुके हैं, इसका कैलिबर पिन, इसका बोल्ट भी इसके साथ में न्यू आता है। ओके इसका ब्रेक पैड हम लोग चेंज नहीं किया, इसका ब्रेक पैड देख सकते हैं 50% इसके ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड को हम लोग चेंज नहीं कर चुके हैं। ओके तो अभी लगाते हैं इस व्हील को ए साइड का, और इसको लेते ट्रेन देते छोटा सा बम सुना देते, देख सकते हैं बम करने के बाद इसका साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। ओके देख सकते हैं अभी करो जरा बम, देखो बम करने के बाद बिल्कुल इसका साउंड नहीं आ रहा है। वो साइड में चेक कराओ, राइट साइड में चेक कराते हैं, देख सकते बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है अभी, देखो। ओके तो अभी लेते इसका छोटा सा टेस्ट ड्राइव। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इसके टेस्ट ड्राइव पे, देख सकते हैं ये रास्ता रोड फ्लेवर ब्लॉक का रोड है, इसका साउंड सुन सकते कार का भी, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है कार में, कार का साउंड सुन सकते थे। पहला इसमें काफ़ी साउंड आ रहा था खड़खड़ 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 करके, अभी किसी प्रकार का इसमें साउंड नहीं है। एक छोटे से पिन की वजह से इसमें काफ़ी साउंड आ रहा था इस कार में, कैलिबर पिन, ब्रेक कैलिबर पिन। अभी देख सकते हैं आप ये फ्लेवर ब्लॉक का रोड है, इसके ऊपर हम लोग देखा 60 की स्पीड से हम लोग कार चला रहे हैं, किसी तरह
नॉइस नहीं इस कार में, तो कार हो चुकी है एकदम परफेक्ट। ओके,